हमास युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के मिसाइल अटैक से शुरू हुई ये जंग हर दिन और भी घातक होती जा रही है। बीते कुछ दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। ऐसी जानकारी थी कि इजराइल और हमास दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे ये साफ हो गया है कि नेतन्याहू हमास को जड़ से खत्म करके ही राहत की सांस लेंगे। दरअसल हाल ही में गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजराइल सेना गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। बुधवार को आईडीएफ के जवानों ने गाजा पट्टी में जबरदस्त हवाई हमले किए। इस हमले में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। गाजा के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को भी निशाना बनाया। इस हमले में हिजबुल्ला के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। आईडीएफ के इन हमलों से युद्ध की चिंगारी एक बार फिर भड़क गई है। इजरायली हमलों के जवाब में लेबनान की तरफ से भी रॉकेट दागे गए। कई रॉकेट लेबनान के पास उत्तरी इजराइल में गिरे तो कई रॉकेट को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया। इन हमलों से गाजा में हालात और भी खराब हो गए हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध से जनजीवन को भारी नुकसान हो रहा है। हर दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। मिसाइल रॉकेट के हमलों से बेहाल गाजा पट्टी में अब खाने की भी कमी होने लगी है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाल ही में गाजा में खाना पानी न मिलने से 15 बच्चों की मौत हो गई। सबसे सुरक्षित इलाका राफा भी इन दिनों भुखमरी से जूझ रहा है। लोग खाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आलम यह है कि अब लोग गोली से कम और खाने की कमी से ज्यादा मर रहे हैं। खाने की कमी से बेहाल गाजा में तेजी से विदेशी मदद भी पहुंचाई जा रही है ताकि गाजा के लोगों को समय पर राहत सामग्री मिल सके। बुधवार को फ्रांस की तरफ से पैराशूट के जरिए गाजा में राहत सामग्री एयर ड्रॉप की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से चल रही इजराइल हमास जंग में अब तक 31,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने इजराइल के करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसमें से करीब 100 लोग अभी भी हमास के कब्जे में है। हमास के रॉकेट हमले के बाद इजराइल लगातार हमास पर सैन्य अभियान चला रहा है। अभी भी जंग के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आने वाले रमजान से पहले युद्ध विराम लगाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हमास ने 6 हफ्तों के सीजफायर के बजाय पूर्ण युद्ध विराम की मांग उठाई है, लेकिन दूसरी ओर नेतन्याहू ने हमास को तबाह करने की कसम खा रखी है। जंग के हालातों को देखते हुए हाल ही में यूरोपियाई संघ सामने आया था। यूरोपियाई संघ के 26 देशों ने भी गाजा पर तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। अब पूरी दुनिया की नजरें नेतन्याहू पर हैं कि वो संघ की बात मानते हैं या नहीं। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज।